अस्सलाम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। और जो भी घर में परेशान है, रिस्क नहीं है, पैसे नहीं है, फाका कशी है, तो ख़ास अल्लाह का जो अमल है वो आप करें। अगर आपके घर में रिस्क ना आए तो अपनी इस बहन से ज़रूर एक दफ़ा बात कीजिएगा, सिर्फ उसके अमल की खातिर पे कि ये अमल क्यों कामयाब नहीं हुआ। आप एक दफ़ा करके तो देखें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तमाम अमलियात जो मेरी हैं, मैंने आमिल आप लोगों को बनाने के लिए बताई हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको आमिल भी बनाएगा और एक अच्छा आमिल जो अमल करने वाला होता है, आमिल सच्चा और मुत्तकी होता है, तकवा और परहेजगार होता है, तो अल्लाह का वली है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको आमिल अपने मुश्किलों को, परेशानी को खुद ख़त्म करने के लिए। ठीक है, और आज एक ख़ास अमल, अंडे का अमल। अंडे का अमल कभी किसी ने नहीं किया जादू की वजह से। अगर जादू ख़त्म करना हो, ख़ास अंडे का इस्तेमाल किया जाता है। आज उसका तरीका मैं आपको समझाऊंगी। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिनके पास घर, रिस्क, दौलत, पैसा कुछ भी तो नहीं है, तो ये अमल ही एक दफ़ा करके देख लें, आजमा के देख लें, तो आपको किसी और अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमल करने का तरीका गौर से समझ लें, लेकिन सबसे पहले अहदीस से शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सच्चाई को अपने पर लाजिम कर लो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी की राह पर लाता है। यानी हमेशा आप अगर सच बोलेंगे तो जन्नत के फासले में जो नेकी की राह है ना, ठीक है, वो जल्दी और आसान आपके लिए हो जाएगी। हमेशा सच बोला करें। अमलियात शुरू करने से पहले आप दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें, एक ख़ास दुआ आप मांगें, वीडियो देखें और आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। जो भी इस वीडियो को देखता है, मैं आपकी बहन होने के नाते अपना अगर आप नाम भी लिखवा देंगे तो तमाम मदारिस में दे दिया जाएगा, आखिर क़यामत तक आपके लिए दुआ खैर कर दी जाती रहेगी जब तक मदारिस कायम रहेंगे। अंडे का ख़ास अमल जादू को ख़त्म करने के लिए, लफ्ज़ कुन अलकौसरा फाया कुन, इसको एक अंडा, ये अंडे की शेप दी गई है या शक्ल दी गई है, इसी तरह अंडे के ऊपर आपने लिखना है, ऊपर 786 लिखना है, फिर कुन, ठीक है, कुन अलकौसर फया कुन, इसी तरह आप लिखेंगे। ठीक है, अब आप इसको गौर से समझें। दिन कोई सा भी हो, वक्त कोई सा भी हो, दुरूद पाक 3 बार हो, कुन अलकौसर फया कुन को 3 बार आपने पढ़ना है। याद रखें, ये अमल दस्ते गैब का, एक जो रिज्क हासिल करने का अमल है वो समझाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक माँ भी नहीं गुजरता, घर, दौलत, पैसा, गाड़ी, माल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आपको फरिश्ते आपके लिए दुआ मांगते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दौलत चाहे पहाड़ के बराबर भी क्यों ना हो आपको मिल जाती है। लेकिन अंडे का ये ख़ास अमल आप ज़रूर करें। अंडे का अमल आपने जादू के लिए अगर करना है और अगर नज़रे बद के लिए करना है तो तब भी ये अमल किया जा सकता है, लेकिन उसमें आप ये अल्फाज नहीं रखेंगे। ठीक है, ये अल्फाज नहीं लिखेंगे। अब जब फ़र्ज़ करें आपके घर पर जादू है, गाड़ी पर जादू है, दौलत पर जादू है, कारोबार पर जादू है, दुकान पर जादू है, किसी भी किस्म का जादू, सफली इलम आपके ऊपर है, बंदिश है, नज़रे बद है, तो आपने क्या करना है, दुकान में इन 3 लफ्ज़ों को लिख कर, ठीक है, अंडे के ऊपर, तो दुकान में कहीं पर भी छुपा दें। याद रखें कि 21 दिन से पहले अंडा ना टूटे, 21 दिन से पहले अंडा ना टूटे, लोगों की नज़रों से दूर अंधेरे में अपनी दुकान, शॉप या घर में रखें, आपके घर में रिस्क भी आएगा। और दस्ते गैब का मैं आपको इलम बता रही हूँ, ठीक है, तो अंडा रखने से आपके घर में जितना भी जादू सफली रम होगा, इस अल्लाह के कलाम की बदौलत और अंडे की, क्योंकि अंडे में एक ज़िंदगी है,
याद रखें, ये कोई आम चीज़ नहीं होती, अंडे में एक पूरी ज़िंदगी है। आप खुद भी हिसाब लगा सकते हैं, अंडे से देखें, एक मुर्गी, अल्लाह पाक जो है एक बच्चा पैदा करते हैं और फिर वो मुर्गी की शक्ल में आता है, फिर ये देखें इसमें एक ज़िंदगी है, ठीक है। तो ये इंसान के लिए अल्लाह पाक की नेमतें हैं। तो फिर आपने इसको घर में किसी भी कोने में रख देना है। अब आपने क्या करना है कि अगर ये अमल आप अपने घर में जादू वगैरह या कारोबार में जादू वगैरह ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, तब तो ये जो उनसा अंडा है अपने घर में किसी भी कोने में रख लें, इसी तरह लिखकर, ठीक है। 3 बार पढ़ना है और अंडे पर दम भी करना है, 3 बार पढ़ना है और अंडे पर दम भी करना है। दम करने के बाद अंडे को छुपा कर किसी भी ऐसी जगह पर रख दें। अब घर में आपने जिस जगह भी रखना है वहाँ पर बच्चे ना पहुँच सकें, घर में बड़े कोई भी उस अंडे को देख ना सके, ठीक है। नंबर 2, दस्ते गायब का ख़ास अमल अब मैं आपको समझाती हूँ कि रिस्क, दौलत, पैसा, गाड़ी, ये सब चीज़ें अंडे की वजह से कैसे आती हैं। अब आपने क्या करना है, एक अंडा लेना है, अब आपने कुन अल कौसर फयाकुन पढ़ना है और 3 बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद दुआ करनी है। किस चीज़ की ज़रूरत है, कोई हाजत तो नहीं, घर, गाड़ी, दौलत, पैसा, रिस्क, माल, आपको इनमें से क्या चाहिए। आप घर में फाका कशी में हैं तब भी आप दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह पाक हमें रिस्क अता फरमा दे, लेकिन 3 मरतबा इन लफ्ज़ों को पढ़ने के बाद ही दुआ कीजिएगा, गलत ना कीजिएगा, ठीक है। ये अमलियात है और मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों को समझा रही होती हूँ, ठीक है। अगर समझ नहीं आई दोबारा 10,000 मरतबा पूछें, आपको समझाया जाएगा, लेकिन गलत नहीं करना आपने, ठीक है। 3 मरतबा ये पढ़ना है और उसके बाद आपने आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है। दुआ करने के बाद सादा अंडा लेना है, उसके ऊपर कुछ ना लिखा हो, सादा अंडा लेना है, उस पर कुछ भी ना लिखा हो। 7 मरतबा आपने अपने सर के ऊपर से वारना है। वारने का मतलब ये होता है कि 7 मरतबा अपने सर से घुमा करना, ठीक है। अंडे को चुराहा, चुराहा होता है 4 गलियों का सेंटर, 4 गलियों का दरमियान का हिस्सा। आपने कुछ भी हो, रात हो, दिन हो, जब लोग आते जाते ना हो, वो अंडा जो आपने 7 मरतबा अपने सर से वारा था दुआ करके कि आपको घर चाहिए, तो घर जब चाहिए ना, अंडे को आपने ना चुराहे पर तोड़ना है, कहीं गली में किसी भी जगह नहीं तोड़ना। याद रखें अंडा ने टूटे, एक बात याद रखें, अमलियात में अगर अंडा टूट गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं अमल का, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। 3 मरतबा इसको पढ़ना है, अंडे को 7 मरतबा अपने सर पर वारना है, वारने के बाद आपने चुराहे पर जाना है, चुराहा 4 गलियाँ, 4 गलियाँ, 4 स्ट्रीट, 4 गलियाँ, 1 गली, 2 गली, 3 गली, 4 गली, हर गलियों में चुराहा ज़रूर होता है, हर घर के आसपास चुराहा होता है, उस चुराहे के सेंटर में इस जगह अपने अंडे को तोड़ना है। याद रखें, ना गली में तोड़ना है, ना इस तरह किसी जगह नहीं तोड़ना, सिर्फ इस 4 गलियों के दरमियान, ठीक है, अंडे को तोड़ना है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको चुराहे की समझ नहीं आती, फिर आपने क्या करना है, दरख्त, आप घर के आसपास कहीं दरख्त है उसके नीचे जाकर तोड़ दें। फिर जब आप अंडा तोड़ दें, ठीक है, एक दफ़ा अपने दिल में ख्वाहिश करें कि जब अंडा तोड़ने लगे ना, आपको चाहिए क्या, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, दौलत चाहिए, मांगे अल्लाह पाक से, क्या मांगते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करें, या अल्लाह पाक मुझे घर दे दे, अंडा तोड़ दें, या अल्लाह पाक मुझे गाड़ी दे दे। एक वक्त में एक अंडा तोड़ने के लिए एक ही दुआ मांगी जाएगी, ये अमल एक हफ्ते में एक ही बार किया जाएगा। हफ्ते में 3 दिन अमल, 4 दिन अमल, रोज़ रोज़ अमल नहीं करना। अगर हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर की, गाड़ी की खुशखबरी आपको मिल जाती है, दौलत, पैसा, माल की खुशखबरी मिल जाती है, यहाँ तक कि अगर आप कहते हैं कि हमें अल्लाह पाक घर बैठे बिठाए जो उनसे रिस्क दे दे, फरिश्ते हमारे लिए रिस्क लेकर आएं, तो आप यकीन माने अंडा तोड़ते वक्त यही दुआ कर लें, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। चुराहा, चुराहे पर ही अंडे को तोड़ना है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि अमलियात है, गलत ना कीजिएगा। अब आपने दुआ करनी है कि आपकी दुकान पर रश नहीं है, आपने जॉब पर जाना है ना, जॉब लेनी है आपने किसी से, वो मान नहीं रहा,
जो ऑफिसर है, जो मालिक है, वो जॉब के लिए मान नहीं रहा, तो फिर आपने ये अंडा चुराहे में तोड़ना है। अब इस अंडे का जो अमल है ना, इसको हम किन किन अमल में इस्तेमाल कर सकते हैं? रिश्तों की बंदिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मियां बीवी की मोहब्बत के लिए भी। दुआ आपके दिल में जो होगी ना, वो यहाँ पर चुराहे पर लाकर जब तोड़ेंगे तभी कबूल होगी। दरख्त एक ऑप्शन है कि अगर आपको नहीं मिलता, लेकिन चुराहा ऑप्शन नहीं, डन है, ठीक है, चुराहे पर तोड़ना। अब आपके घर में नाचाकी है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, किसी अपने प्यारे को पाना है, कहीं पसंद की शादी करनी है, उसके लिए भी यही अमल एक ही काफ़ी है। आपको यही अमल काफ़ी है, एक आपने यही अमल करना है। मैं इसलिए ये बार बार कह रही हूँ, ये अमल कोई आपको नहीं बताएगा, ये अमल ख़ास अमलियात मेरे अपने बड़ों से मुझे मिला है, ख़ास अमलियात है, ख़ास मौकलाती अमल है, ये आम अमल नहीं है, ये आपको कोई भी नहीं, किसी भी चैनल पर चले जाएं आपको इस तरह की ना वीडियो मिलेंगी और ना ही आपको ऐसे अमल मिलेंगे, याद रखें। लेकिन अमल को तरतीब से करें, ख़राब नहीं कीजिएगा प्यारे बहन भाइयों। अमल बहुत खूबसूरत है, एक दफ़ा ज़रूर करें, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करें, पर चुराहे पर अंडे को तोड़ना है। याद रखें, जो तोड़ने वाला अंडा है ना, उसके ऊपर अल्लाह के नाम जो कलाम है वो ना लिखा हो, ठीक है। अगर आपने घर, दुकान, शॉप या किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आपको रिस्क, दौलत, पैसा चाहिए, फिर उसको रखें घर में, तोड़ना नहीं, इसको टूटने नहीं देना। कम अज़ कम 21 दिन अल्लाह के कलाम का अंडा ना टूटे। चुराहे वाला तो आप ज़ाहिर है उसी दिन सर से वार कर तोड़ देंगे। मेरा मजीद इतनी समझाने का वीडियो यही होता है कि मेरे प्यारे बहन भाइयों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए, खुद के खुद आमिल बने। मेरी बहनें भी आमिल बन सकती हैं और भाई भी। अगर अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपनी बहन से रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी, कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फन या इंटरटेनमेंट नहीं है, अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं, उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकअल्लाह।